ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಬೋಲಿಯೆ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಿ ಜೈ. श्री बसवराज बोम्मई की, श्री सीपी जोशी की, मंच पे बैठे सारे नेताओं की, आप सब की, मुझे पता था खुद की जय बोलोगे. राजस्थान का आदमी इस मामले में माहिर है. एक ताली तो आप बजाओ सीपी जोशी जी के लिए जोरदार. एक ताली बजाओ प्रकाश माली के लिए. अरे इसका नाम है प्रकाश माली, जोर से बजाओ ताली. और एक ताली बजाओ राजू जी अग्रवाल के लिए जो प्रवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है और आज इनका जन्मदिन है. जन्मदिन की ताली बजाओ. और एक ताली बजाओ कैलाश चौधरी जी के लिए. और सबसे अच्छी ताली बजाओ प्रीति चौधरी जी के लिए. अब पूछो पीपी जी के लिए स्पेशल ताली क्यों? क्योंकि पीपी जी डेढ़ घंटे भाषण देते हैं, आज 10 मिनट में छोड़ दिया. हमारे जसवंत सिंह बिश्नोई साहब, छगन सिंह जी, शैतान जी, नाम ही शैतान है, बाकी घबराना मत, आप आदमी सही थे. हमारे शैलाराम जी, नरेश जी, लखोटिया जी और हमारे रमेश जी मुख्य सूत्रधार आज के कार्यक्रम के. तो सभी मंच के लोगों का सम्मान और प्रणाम करता हूं और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं. पुरानी कहावत है कि जहां पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी. फिर किसी ने कहा कि साहब रेलगाड़ी से काम नहीं चले तो बैलगाड़ी में भी पहुंच जाते हैं. अरुणाचल तक पहुंच गए, चीन के बॉर्डर तक. जहां पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी. और जब से मोदी जी आए उन्होंने चील गाड़ी सस्ती कर दी, तो अब ये हो गया जहां पहुंचे चील गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी. तो तीनों जगह मारवाड़ी पहुंच सकता है तीनों तरीके से. अच्छा ये लगा कि राजस्थान के 2 करोड़ प्रवासी राजस्थानी दुनिया के हर हिस्से में, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी हुई कि कर्नाटक में लाखों की संख्या में, अकेले 20 लाख तो बेंगलोर में बताए. है जी ट्रेन की अभी चलवाएंगे. देखो कैलाश जी पीपी जी पूरा जोर लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेंगे, चिंता मत करो. और बिना फीस के करेंगे. आज क्योंकि चुनाव की छाया में सीपी जोशी जी और सभी नेता लोग आए हैं, प्रकाश जी ने इस वातावरण को थोड़ा भक्तिमय कर दिया था. राम जी के, हनुमान जी के, राम सा पीर के सारे भजन गाए तो मेरे को लगा कि माहौल बदल रहे हैं. तो अपने काम की तो बात हुई नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए आए. तो एक कोई लड़का कुंवारा था, शादी की इच्छा थी, घर वाले देर कर रहे थे. तो एक दिन लड़के का ताऊ और लड़के के पिताजी बैठे बैठे बात कर रहे थे, ये छोरा जवान हो गया, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए. ये बात लड़के के कान में पड़ी तो बड़ा राजी हुआ, बोला आज तो बात ठीक ठाक चल रही है. तो लड़के के ताऊ ने कहा बेटा चिलम भर के ला. तो लड़का वापस पलटा, बोले ताऊ चिलम तो भर के ले आऊंगा, लेकिन जिक्र यही चलना चाहिए जो अभी चला रखा था. तो अपने तो चुनाव का माहौल है, सब लोगों की निगाह राजस्थानियों पर है. इतने दर्जन भर लोग आ गए, हम लोगों को भी पार्टी ने हुक्म दिया. मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थानी आदमी की साख पूरी दुनिया में, व्यापार में भी है, ईमानदारी में भी है, परिश्रम में भी है, शौर्य और स्वाभिमान में भी है. और इसलिए राजस्थान के प्रवासी भाइयों की बड़ी जिम्मेवारी है कि इस देश में 2014 में जिस तरीके से मोदी जी ने देश के स्वाभिमान को ऊंचा किया है, बुनियादी विकास को ताकत दी है, और जिस तरीके से कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों ने आंख उठाकर यहाँ की सुख शांति को ग्रहण लगाने की कोशिश की है,
आप उस शख्स का अभिनंदन कीजिए कि जिन्होंने पीएफआई को बैन किया और जिन्होंने हिंदुत्व को राष्ट्रवाद के झंडे को ऊंचा और बुलंद किया। इसलिए कर्नाटक का ये चुनाव केवल कर्नाटक की सरकार का चुनाव नहीं, ये चुनाव हिंदुस्तान की अस्मिता का चुनाव है, हिंदुस्तान के स्वाभिमान का चुनाव है, हिंदुस्तान के गौरव का चुनाव है। और डबल इंजन की सरकार इसलिए नहीं कही जाती, कर्नाटक में सुख शांति समृद्धि आए। और जो लोग इस नियत से काम करते हैं कि बजरंग दल पर बैन करो और पीएफआई को चालू करो, मुझे लगता है कि चुनाव पीएफआई के खिलाफ है और बजरंग बली के समर्थन का चुनाव है। जितने बजरंग बली के भक्त हैं उनको ये तय कर लेना चाहिए, यहाँ हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की और देश के स्वाभिमान की सरकार चलेगी। मैं इतना निवेदन करने के लिए आया हूँ, 10 तारीख को मतदान हो, अपने बहुत लोग बाहर हैं। अभी ट्रेन तो अश्विनी वैष्णव जी, मुझे रमेश जी ने कहा, मैंने बात की, उन्होंने उदारता दिखाते हुए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई है, लेकिन मैं आपको ये भरोसा देता हूँ, हमारी लगातार बात चल रही है। और मैं ये पीड़ा मानता भी हूँ कि हमारे जितने मध्यम वर्ग के प्रवासी भाई हैं उनको बार बार गांव जाना पड़ता है, उनको सहूलियत मिले, तो जोधपुर से, पाली से, बेंगलोर के लिए, चेन्नई के लिए, हैदराबाद के लिए ट्रेन की बड़ी सख्त जरूरत है। हम मंच के लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और प्रवासियों की इस मांग को पूरा करने के लिए हम पूरे संकल्पित होकर काम करेंगे।